चलिए लास्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। तो जब आप ये शुरू करेंगे तो हो सकता है कि करते समय, मतलब आप पानी पियेंगे, आप आसन करेंगे, पानी थोड़ा गर्म होगा तो आपको पसीना आ सकता है। देयर इज नो नीड टू फील कंसर्न अबाउट इट, इट इज नेचुरल, इट विल हैपन, दैट इज ऑल्सो हाउ द बॉडी इज डिटॉक्सिंग। अदर थिंग इज कि हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा लगे, पर कोशिश करिएगा कि आप उल्टी करें ना। तो पहले जो तीन आसन है वो स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, उसके बाद हम लेट के आसन करेंगे। होपफुली बाय देन यू शुड, योर बॉडी शुड बी एबल टू अडेप्ट एंड यू विल नॉट वॉन्ट टू प्यूक। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि उल्टी करनी है, कोशिश करिए आप थोड़ा पॉज लें और उसको प्रिवेंट कर लें, अदरवाइज हो सकता है कि आपका पूरा कंप्लीट ना हो सके शंख प्रक्षालन। सो वील सी हाउ इट गोस, ऐसा कुछ हो तो वील कनेक्ट ऑन दैट। दूसरा ये है कि आपको उकड़ू पोजिशन में बैठ के, अगर आप कंफर्टेबल है, आई शो दैट टू यू, अगर आप उकड़ू पोजिशन में बैठ के पानी पीते हैं तो इवन बेटर, लुक्स लाइक हाउ वी सिट ऑन द इंडियन कमोड। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे भी, जो भी पॉस्चर कंफर्टेबल है उसमें बैठ के भी आप पानी पी सकते हैं। पानी बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो नहीं पीना है। आप बहुत सारा पानी पीने वाले हैं, बहुत स्लो पियेंगे तो नहीं जमेगा, मतलब योर बॉडी विल रिफ्यूज टू टेक एनी मोर सिप्स ऑफ वाटर। बहुत फास्ट पियेंगे तो भी आपको तकलीफ दे सकता है, सो अवॉइड बोथ सिनेरियोस, ड्रिंक इट एट अ रेगुलर पेस। हर एक आसन को हमको 5 सेकेंड होल्ड करना है, उससे कम थोड़ा किया चलेगा, बट उससे ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ 5 आसनास एंड वी आर गोइंग टू डू मल्टीपल सेट्स, 5 सेकेंड्स इज गुड इनफ। और वन मोर थिंग इज के हर एक सेट के बाद में, नाउ सी व्हाट हैपेंस इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुगेदर, लेकिन खत्म आप सबका साथ में नहीं होगा। पूरी क्रिया, हर किसी को अपना समय लगेगा, हर किसी का अलग तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट सेट, अभी आप 2 ग्लास पानी पियेंगे फिर हम एक पूरा सेट कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को पूरा सेट कंप्लीट करने से पहले ही दे वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, इफ दैट हैपन्स प्लीज गो। हो सकता है किसी को एक पूरा सेट कंप्लीट करने के बाद में भी वॉशरूम जाने की अर्ज ना हो, या गए भी तो कुछ हो ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यू अगेन ड्रिंक वॉटर, यू अगेन गेट गोइंग, ठीक है। सो एवरीबडीज बॉडी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, डोंट ट्राई टू थिंक के सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, इट विल हैपन इवेंचुअली। अनदर थिंग इज कि कभी कभी हो सकता है कि इन द मिडल ऑफ अ सेट आप आसन कर रहे हैं एंड सडनली यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, गो। फिर जब आप वापस आए तो आपको वापस पानी पीना है। ये मत सोचिए कि मेरा सेट तो बीच में खत्म हो गया था, मतलब मुझे रोक के जाना पड़ा था, 5 में से मैंने 3 ही आसन किए थे और मैं वॉशरूम चली गई, तो अब मुझे वो बाकी 2 करने हैं। वो करने हैं आपको, लेकिन उसके पहले आपको दोबारा से 2 ग्लास पानी पीना है, ओके। सो ईदर यू गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक एंड यू हैव वॉटर, और यू नो इरिस्पेक्टिव के सेट कहां पे रोका था, आपको वापस आना है। लेट्स से आपके 3 आसन हुए थे, हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, कंप्लीट द बैलेंस 2 आसनास ऑफ द सेट। दैट इज व्हाई सेट के वो 5 के नाम लिख के रखिए, क्योंकि हर किसी का ट्रैक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कौन कहां से छोड़ के गया था, वो आपको याद रखना है। फिर जब आप वापस आएंगे तो आपको वहीं से रिज्यूम करना है, ओके। दैट इज प्रीटी मच इट। 5 से 6 बार आपको वॉशरूम विजिट्स लगेंगे। If this is not a fixed number, it can be a little less, it can be a little more also. तो अपने हिसाब से करिए। The consistency of your motion will keep changing. तो even if you use the washroom this morning, फिर भी आपको एक बार वैसे ही motion होगा जैसे आपको सुबह, हर सुबह, हर रोज होता है। Then the consistency will start changing till it becomes really watery. That is when you will have to stop. ठीक है, कुछ भी बीच में doubt हो, कुछ भी सवाल हो, please पूछ लेना। ऑलराइट, तो एक बार मैं सारे आसन डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। दे आर रियली सिंपल, नाम देख के आपको पता चल गया होगा। जिनके वीडियोस ऑफ है, इफ यू वांट टू टर्न देम ऑन प्लीज टर्न देम ऑन, स्पेशली जो लोग नए हैं उनके लिए, ओके। एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है। और पहला सेट मैं आपके साथ करूंगी, उसके अलावा मैं पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको ताड़ासन करना, मैं थोड़ा ज्यादा पीछे जा रही हूँ। पैर आपके क्लोज रहेंगे, पैरों में बहुत ज्यादा अंतर मत रखिए, ताड़ासन में बैलेंस नहीं होगा। हाथ साइड में, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाने हैं, इंटरलॉक करना है, पूरा ऊपर करना है, हील्स को उठाना है। अगर घुटनों की तकलीफ है, हील्स नहीं उठा सकते हैं, एक बार साइड से भी देखिए, तो आपको हाथ नीचे, सॉरी हील्स नीचे रख के बॉडी को पूरा लंबा करना है। 5 सेकेंड रुकना है, धीरे से नीचे आना है,
हर बार हाथ नीचे ऊपर मत करिए, हाथों को ऐसे सर पे रख लीजिए, बिकॉज इमीडिएटली वी विल स्टार्ट अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, फिर हील्स नीचे लाएंगे, फिर हाथ ऐसे सर पे रखेंगे, 5 बार करेंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रियंक ताड़ासन। तो पैर आप हिप विड्थ या उससे थोड़े ज्यादा अपार चुके हैं, सांस लेते हुए आप फिर से हाथ ऊपर लेंगे, फिर से उनको उल्टा करेंगे और आप साइड बेंड करेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। 5 सेकेंड रुकेंगे, सेंटर में आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, 5 सेकेंड रुकेंगे, सेंटर में आएंगे, 5 मतलब दोनों तरफ 5-5 करने हैं नॉन स्टॉप। ओके, द थर्ड वन इज कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आप पैर थोड़ा और दूर करेंगे, हाथ आप शोल्डर लेवल पे लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए एक हाथ ऑपोजिट शोल्डर पर, दूसरा हाथ पीछे, 5 सेकेंड रुकेंगे, रिटर्न टू सेंटर, दूसरी तरफ, दोनों तरफ 5-5 बार। ये 3 स्टैंडिंग पोजेस हो गए। चौथा है हमारा तिर्यक भुजंगासन। वी लाई डाउन बेली डाउन, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, गर्दन को घुमा के ऑपोजिट हील को देखेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, ऑपोजिट हील नहीं दिखती है, जो हील दिखती है उसको देखेंगे। यहां से आप फिर से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरी तरफ, फिर नीचे जाएंगे, 5 times each side. I will do the counting for you at least in the time everybody is doing it together. Last one is looks a little like malasan, पर थोड़ा सा फर्क है। तो आप पैर आप ऐसे बैठेंगे, आप हील्स ऊपर रख सकते हैं, इसमें आपको शिफ्ट करना है, देखिए कि शिफ्ट कैसे करना है। When you shift, आपको एक पैर का घुटना दूसरे पैर की हील के पास लाना है और ये जो दूसरा पैर है उसके बाहर हाथ रख के इस पैर को पेट की तरफ आपको पुश करना है और जो पैर ऊपर है उस तरफ गर्दन घुमानी है। 5 seconds स्लोली कम बैक टू सेंटर, रिपीट। तो एक नी दूसरे हील के पास आया, जो पैर ऊपर है उसका हाथ बाहर से लेके उसको पेट के पास दबाना है, उसी तरफ गर्दन घुमा के देखना। 5 seconds चेंज, ऑल राइट। उदाराकर्षण ये आपको करना है 5-5 बार, स्लो करिए, आराम से करिए, बीच में रुक गए नो वरीज। और अभी जब आपको पानी पीना है, सो दिस इज द उकड़ू पोजिशन एज वी कॉल इट। अगर आप इसमें बैठ के पानी पी सकते हैं इवन बेटर, नहीं जमता है नॉर्मल सुखासन वज्रासन जिसमें बैठना है बैठिए। कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज वी स्टार्ट। रेणुका जी एनी क्वेश्चन? जी yes. जी द लास्ट आसन विच यू मेंशन्ड, आई होल्ड फॉर 5 seconds आफ्टर टेकिंग द ट्विस्ट, राइट? करेक्ट। एवरी टाइम व्हेन यू आर इन द पोज, दैट इज व्हेन द 5 seconds काउंटिंग बिगिंस। ओके ओके, थैंक यू। Anyone else? Any questions? Monica ji, कुछ पूछना है? Good morning, ma'am. Ma'am, अभी कितना पानी पीना है starting में? 2 glass. हर बार आपको 2 glass पानी पीना है. With salt. Okay? With salt. Yeah. Every time 2 glasses of water, not less, not more. Okay? चलिए, is everybody ready? तैयार है? तो हाँ, नीत पूछिए. जब भी आप लोगों को लगता है एकदम वॉटरी हो गया है, ऑलमोस्ट क्लीन वॉटर है, जस्ट अपडेट मी। लगभग सबको 5 बार तो एक्सपेक्टेड है, ओके, एटलीस्ट 5 visits टू द वॉशरूम यू ऑल विल रिक्वायर। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी है तो बैठिए, जैसे भी बैठना है बैठिए, पानी लीजिए, 2 glass पानी आपको पीना है, नॉट टू स्लो नॉट टू फास्ट। गुड। प्रीति जी हिप्स हो सके तो थोड़ा नीचे लीजिए जैसे मलासन में, हाँ पैर थोड़े दूर करने हैं तो करिए, कंफर्टेबल बैठिए, हील्स ऊपर रही तो चलेगा, अगर पूरा हील्स नीचे नहीं लगता है दैट इज ओके। उर्जिता जस्ट लेटिंग यू नो दैट योर वीडियो इज ऑफ, आई नो इट माइट बी डेलिबरेटली ऑफ, आई जस्ट थॉट आई लेट यू। 2 glass पानी, हाँ सीधे बॉटल से मत पीजिए, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि बॉटल में 2 ही glass पानी आया तो बात और। दो ग्लास हो जाए, रुक जाए, वंस एवरीबॉडी इज डन वी विल गेट स्टार्ट।
बहुत जल्दी जल्दी नहीं पीना है, बहुत आराम से भी नहीं पीना है। जब आपका हो जाए ना तो आप खड़े हो जाएं। Once I see that everybody stood up, I will understand आपके दो ग्लास पानी हो गए, then we can start with the asana। कोई जल्दी नहीं है, जिनका हो गया है वो लोग खड़े हो जाएं, जिनका बाकी है you have time। आराम से करें। पहले राउंड में थोड़ा डिस्कम्फर्ट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने अभी अभी पानी पिया है, पेट आपका पूरा उससे भरा हुआ है, प्लस आप आसन करने वाले। सो टिल द टाइम यू रिलीज द फर्स्ट मोशन, आफ्टर दिस सम डिस्कम्फर्ट इज एक्सपेक्टेड, इट विल हैपन टू एवरीवन, डोंट थिंक सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ओके, चलिए जिनका हो गया है प्लीज खड़े हो जाइए, एक दो लोग बैठे हैं, तो इफ यू आर डन, व्हेनेवर यू आर डन स्टैंड अप। उर्जिता आप विजिबल नहीं है, तो आपका जब हो जाए तो आप भी प्लीज खड़े हो जाए। चलिए द फर्स्ट सेट आई विल प्रैक्टिस विथ यू, तो आप मुझे देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं थोड़ा और पीछे जा रही हूँ, पैर आपको क्लोज रखने हैं, हाथ आपको इनिशियली साइड में रखने हैं, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ उठाना शुरू करिए, इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्न द पाम्स अपवर्ड्स, पहले पूरी अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, फिर हील्स को ऊपर उठाइए एंड स्टे देयर। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से हील्स डाउन, हाथ के पंजे सर पे लेके आए एंड स्टार्ट अगेन, फिर से हाथ ऊपर, लेंथन दी अपर बॉडी, हील्स को पूरा उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली हील्स डाउन, हाथ सर के ऊपर, अगेन हाथ पूरे लंबे, हील्स को ऊपर उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, slowly down, last two, हाथ सीधे ऊपर, raise the heels, 1, 2, 3, 4, 5, slowly down, हाथ सर के ऊपर, last three, हाथ सीधे ऊपर, raise the heels, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से पैर नीचे, धीरे से हाथ। अभी पैरों में अंतर करिए हिप विथ या उससे थोड़ा सा ज्यादा, नॉट मोर देन दैट। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए, इंटरलॉक करिए, ऊपर की ओर लंबा करिए, पूरा टॉर्सो ऊपर खींचिए, अभी धीरे धीरे आपको लेफ्ट साइड आना है, एल्बो सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली रिटर्न टू सेंटर, रिपीट ऑन द अदर साइड इमीडिएट, 1, 2, 3, 4, 5, slowly return to center, repeat again, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, other side, लंबा रखिए बॉडी को खिंचा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, this is the fourth rep, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, last time each side, 1, 2, 3, 4, 5, slowly up, change, 1, 2, 3, 4, 5,
धीरे से ऊपर, धीरे से हाथ नीचे एंड रिलैक्स। अभी आपको पेट के बल लेटना है, आराम से लेटिए, पैरों में लगभग हिप विड्थ अपार्ट का अंतर रखिए, फोरहेड या चिन कुछ भी जमीन पे, हाथ चेस्ट पे अगल बगल, एल्बोस थोड़े से बेंट रहेंगे तो बेटर है। सांस भरते हुए भुजंगासन में ऊपर आइए, गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए, देखिए राइट एड़ी दिखती है क्या, नहीं दिखती है कोई बात नहीं, स्टे देयर। 1 2 3 4 5 गर्दन को सामने लाइए, जमीन पे नीचे लेटिए फिर से। अगेन इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड टर्न योर नेक टू द अदर साइड, स्टे देयर। 1 2 3 4 5 स्लोली सेंटर, गो डाउन, इनहेल एंड कम अप अगेन, गर्दन लेफ्ट साइड, स्टे देयर। 1 2 3 4 5 गर्दन सामने, फिर से नीचे जाइए, इनहेल एंड अप अगेन, टर्न योर हेड टू द राइट, स्टे देयर। 1 2 3 4 5 गर्दन सामने, फिर से नीचे आइए, inhale and up, exhale and turn your head to the left, stay there, shoulders ko ghumana nahi hai, 1 2 3 4 5 slowly center, bow down, inhale and up, exhale and right ki taraf gardan, 1 2 3 4 5 center, slowly down, फिर से इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड लेफ्ट, 1 2 3 4 5 स्लोली सेंटर, कम डाउन, फिर से इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड टर्न योर फेस टू द राइट, 1 2 3 4 5 सेंटर, स्लोली डाउन, लास्ट ब्रेथ ईच साइड, inhale and up, exhale and turn your head to the left, 1 2 3 4 5 center, slowly down, last time, inhale and up, exhale and right, 1 2 3 4 5 center, and slowly down, left side karvat leke upar uthna hai, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेफ्ट साइड करवट लेके उठे, आई विल एक्सप्लेन व्हाई, अभी आ जाइए लेफ्ट से ऊपर, चलिए अभी हमको मलासन टाइप पोज करना है, उदाराकर्षण, पैरों में आप अंतर रखिए, हिप नीचे होनी चाहिए आप, लीमा जी कटी चक्रासन रह गया लिस्ट में से, कटी चक्रासन हो गया ना, दिस इज कटी चक्रासन, वी डिडंट डू दिस, नो, ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, I'm so sorry. Let's do Kati Chakrasana first. I'm so sorry. Thank you for reminding me. पैरों में distance करिए. Hip width से थोड़ा ज्यादा दूर रखिए. दोनों हाथ shoulder level पे दीजिए. लंबे रखिए हाथ. अच्छे से सांस भरिए. सांस छोड़ते हुए left side पूरा twist करिए. और fold करिए. 1 2 3 4 5 Slowly return to center. फिर से हाथ shoulder level. Exhale and repeat on the other side. 1 2 3 4 5 Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5 Slowly center and change. 1 2 3 4 5 Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5 Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5 Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5 Inhale and center, exhale and change. 1, 2,
3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Last time, exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Center and down. अभी बैठ जाइए फॉर उदाहरण. इस तरह से आ जाएं, हील्स अपनी ऊपर रखें. ओके, सभी लोग पहले लेफ्ट की साइड टर्न कर, सॉरी राइट की साइड. तो आपको लेफ्ट नी जो है वो राइट हील के पास में लेना है और दूसरे हाथ से आपको इस पैर को पेट की ओर पुश करना है और गर्दन को उसी तरफ आपको टर्न करना है. ऑल राइट, एंड स्टे विथ 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से बैलेंस के साथ सेंटर में आइए. हाथ की हाथ का यूज करना पड़े तो करिए. एंड देन चेंज. हाथ से पैर को पेट की ओर दबाना है. 1, 2, 3, 4, 5. स्लोली रिटर्न टू सेंटर एंड चेंज. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly return to center and change. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly return to center and change. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly return to center and change. 1, 2, 3, 4, 5. Center and change. Last two reps. 1, 2, 3, 4, 5. Center and change. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Last rep. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Last time on the other side. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Center and release. अगर किसी को भी लग रहा है you want to go to the washroom, please go. बहुत ज्यादा जाके प्रेशर मत दीजिएगा वॉशरूम में. नहीं जाने की अर्ज है, बैठिए, फिर से दो ग्लास पानी लीजिए. उकड़ू पोजिशन या वट एवर पोजिशन वर्क फॉर यू, आराम से उसी पेस पे आपको पानी पीना है. फिर से दो ग्लास पानी पियेंगे. मेक श्योर इट इज लूक वॉर्म. अगर ठंडा हो जाए तो यू मे वॉन्ट टू हीट इट अ बिट अगेन. माया, आपको पैर थोड़े दूर लेके हिप थोड़ा नीचे रख के उकड़ू पोजिशन में बैठना होता है. आप जैसे बैठे हैं दैट इज नॉट द राइट पोजिशन. हाँ, दिस इज करेक्ट. दो ग्लास पानी पीना है. नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो. Now between the second set, you might feel the urge to go use the washroom anytime. जैसे लगे वैसे जाइए. ये मत सोचिए कि अभी एक ही रेप बाकी है, दो रेप बाकी है, खत्म करके जाना है. ऐसा कुछ नहीं है.
whenever you want to go, please go. When you come back, you pick up from where you had left. जब दो ग्लास पी के हो जाए तो आप खड़े हो जाए. Then I'll know that whoever is done, जब एक साथ सबका हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे. Ma'am, if you are not able to complete the second glass because that uneasy feeling is coming by, so pause a little and have complete the second glass. Okay. दो glass आपको पूरे करने ही हैं, ma'am. Yeah. चल. जिनका हो गया है, you all know the आसन, शुरू करिए. ठीक है. ताड़ासन से आपको शुरू करना है. पैर पास में रखिए, बहुत ज्यादा अंतर मत रखिए. हाथ साइड में रखिए और सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके स्टार्ट करिए. प्रीति जी इज रेडी तो मैं प्रीति जी को स्पॉटलाइट कर रही हूँ. अगर देखना हो तो काउंट आपको खुद करना पड़ेगा. 5 reps करने हैं और 5 सेकेंड होल्ड करना है. एंड प्रीति जी को जब लगेगा वो वॉशरूम चले जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से कंटिन्यू करना है. फाइव रेपिटिशंस पर पोज, 5 seconds होल्डिंग टाइम पर रेप. हाथ पूरे नीचे नहीं लाएंगे, हाथों को सर पे रखेंगे तो ठीक है. फिंगर्स को इंटरलॉक्ड रखना है अरुंधति जी और उल्टे करने हैं हाथ. यस, तभी अपर बॉडी भी पूरी खींचेगी और वो पानी बेसिकली आपके पेट से होता हुआ इंटेस्टाइन्स की तरफ जाएगा. मोनिका जी पैर पास में रखने हैं, ताड़ासन में पैर इतने दूर नहीं रखते हैं कभी भी हम. Need one visit to the washroom done. You could pass motion. Okay, great. ताड़ासन के बाद में तिर्यक ताड़ासन जो प्रीति जी कर रहे हैं. पैरों में अंतर रहेगा as you can see on the screen. कविता जी थोड़ा पैरों में डिस्टेंस आप इंक्रीज कर दीजिए फॉर तिर्यक ताड़ासन. दोनों तरफ 5-5 बार 5 seconds होल्डिंग टाइम. तिर्यक ताड़ासन में ऑब्वियसली योर हील्स विल बी ग्राउंडेड, उसमें एड़ियां नहीं उठानी है. अपने लिए प्लीज काउंटिंग मेंटेन करें. अब हर कोई अलग पेस पे कर रहा है तो यूनिफॉर्म काउंटिंग पॉसिबल नहीं है. रूपांगी थोड़ा पैरों में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फॉर तिर्यक ताड़ासन. दैट्स इट. उसके बाद कटी चक्रासन आएगा. बीच में आपको वॉशरूम जाने की अर्ज लगे कभी भी, प्लीज गो. पैर थोड़े और दूर होंगे प्रीति जी फॉर कटी चक्रासन. यस, थोड़ा और. यस, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे और जब भी रेडी हो शुरू करें. एक हाथ ऑपोजिट शोल्डर पे, दूसरा कमर के पीछे, गर्दन सीधी, 5 सेकेंड होल्ड. 5 reps each side. जो हाथ पीछे लेते हैं मैक्सिमम कमर के पीछे जाने दीजिए उसको. जितना वेस्ट ट्विस्ट आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट वॉटर डाउनवर्ड्स. नीड बहुत स्लो पानी मत पीना अनलेस अनकंफर्टेबल लग रहा है और आपको पॉज करना पड़ रहा है, वरना बहुत स्लो पानी मत पीना. फाइव सेकेंड्स होल्डिंग टाइम इज इनफ, उससे बहुत ज्यादा रुक के कोई पॉइंट नहीं है. यू ऑल्सो हैव टू कंजर्व एनर्जी.
मोनिका जी थोड़ा स्लो करिए, मतलब एकदम झटके से सेंटर में मत आइए, थोड़ी चक्कर आने का डर रहता है, तो आराम से स्मूथली ट्रांजिशन करिए लेफ्ट टू राइट। कटी चक्रासन के बाद में तिर्यक भुजंगासन करना है। जब आपका हो जाए कटी चक्रासन तो उसके लिए आज पैर अबाउट हिप विड्थ अपार्ट, हाथ के पंजे चेस्ट के अगल बगल। पहले लेफ्ट में करके फिर वापस जमीन पे नीचे लेटेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर राइट की तरफ करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, शोल्डर्स को नहीं घुमाना है। Shrishti, could you tell me one visit to the washroom is done? Just give me a thumbs up if it is done. एक बार आप वॉशरूम होकर आए करते हुए, okay, you could pass motion. Okay, great. Please continue. भुजंगासन में अगर आपके आर्म्स सपोर्ट करते हैं तो एल्बोज थोड़े से बेंट रखिए। आई नो बार बार रेपिटेशंस कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ थक जाते हैं। मोनिका जी नीचे लेटिए और हाथों को चेस्ट के अगल बगल लाइए, ठीक छाती के अगल बगल दोनों हाथ होने चाहिए। माया, आपके पैर के पंजे सुला के रखिए, टोस को खड़ा नहीं रखना है। सृष्टि, थोड़ा और ऊपर आना है भुजंग में। वेरी गुड। फाइव रेप्स ईच साइड, फिर लेफ्ट से करवट लेकर आपको ऊपर उठना है। जब आपका भुजंग कंप्लीट हो जाए लेफ्ट से करवट लेकर आपको ऊपर उठना है। आराम से उठना, ट्रांजिशंस को आराम से लेना, बहुत जल्दी में कुछ मत करिए। लास्ट आसन ऑफ द सेट इज उदाराकर्षण। किसी भी समय वॉशरूम जाने की आपको जरूरत लगे तो तुरंत चले जाएं। एक घुटना आपके दूसरे एड़ी के पास नीचे आएगा उदाराकर्षण में, दूसरे हाथ को आप प्रीति जी राइट हाथ राइट थाई पे रखिए और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट राइट हाथ राइट थाई पे, कांधे पे कहाँ जा रहे हैं, यस, और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पेट की ओर पुश करना है, गर्दन लेफ्ट की ओर घुमानी, अपना लेफ्ट फुट थोड़ा आगे लेके जाओ, नी उसके पास आना चाहिए, एड़ी 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 और नी पास में होने चाहिए। हाँ करेक्ट। 5 सेकेंड रुकना है, चेंज करना है। एवरीबडी जो पैर नीचे है वो हाथ उस थाई पे रखिए जैसे प्रीति जी ने रखा है, दोनों हाथ यूज नहीं करने हैं आपको पैर अंदर पुश करने की। रेणुका जी लेफ्ट साइड से करवट लेके उठना है, राइट साइड से उठे आप, लेफ्ट से उठना है, नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिए। उदाराकर्षण, घुटने पे हाथ रख के मत दबाइए मोनिका जी,
साइड में थाई के बाहर हाथ रख के पैर को पेट की ओर पुश करना है। सृष्टि आप थोड़ा प्लीज साइडवेज फेस होके बैठी है और फिर ना आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सृष्टि आप। वन नी हैज टू कम नियर दी अदर हील, वन नी हैज टू कम, लेफ्ट नी को राइट हील के बाजू में जमीन पे चिपकाइए। करेक्ट, अभी लेफ्ट हाथ को लेफ्ट थाई पे रखिए, राइट हाथ से राइट पैर को पेट की ओर दबाइए। सृष्टि लेफ्ट हाथ लेफ्ट थाई पे, करेक्ट, और आपका राइट फुट पूरा जमीन पे टच होना चाहिए। जो नी ऊपर है वो फुट पूरा जमीन पे होना चाहिए, उसकी हील आपके लेफ्ट नी के पास होनी चाहिए। दोनों तरफ पांच पांच बार करिए। प्रीति जी राइट फुट पूरा जमीन पे होना चाहिए। क्वेश्चन, यस कविता जी, द लास्ट आसन इज वेरी डिफिकल्ट ऑन माय नीज। ओके, आई विल शो यू अ सब्स्टिट्यूट मैम। तो आप जो है बैठ के वक्रासन करेंगे। पैर आप पहले सीधे रखेंगे, एक पैर को आपने फोल्ड कर दिया ऐसे, ओके, ऐसे आराम से फोल्ड कर दिया। जो पैर आपने फोल्ड किया है उस हाथ को पीछे ले जाएंगे, दूसरे हाथ से इस पैर को पेट के पास में आपको पुश करना है, ओके, और गर्दन पीछे रखनी है, 5 सेकेंड रुकना है, फिर आपने तुरंत चेंज करना। चलिए, वेलकम मैम, आई एम वॉचिंग यू, कुछ भी डाउट हुआ तो आई विल लेट यू नो। मैम आई विल आल्सो डू सब्स्टिट्यूट, इज दैट ओके? द लास्ट वन, अगर नीज में प्रॉब्लम है या नहीं जम रहा है, बैलेंस जा रहा है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, आई एम स्पॉटलाइटिंग कविता जी, जिनको भी अगर वेरिएशन करना है। सलीमा, यस कविता जी, जस्ट वन सेकेंड कविता जी, आपको पैर को नी से बाहर नहीं ले जाना है, हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नी को बेंड करना है, ओके, दूसरे घुटने से बाहर नहीं ले। मैम लेफ्ट पैर फोल्ड किया तो लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, नहीं तो ट्विस्ट कैसे होगा ना, देयर हैज टू बी अ ट्विस्ट एंड द थाई हैज टू कम क्लोज टू द बेली। यस, समबडी वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, सृष्टि वाज दैट यू? आपका हाँ हाँ सृष्टि, या so when we are done with 5 asanas, then we have to take a break of drinking water every time, right? Every time, every time. Ya to loo ja kar aaye, phir turant pani peena hai, ya to pura set ho gaya, phir turant pani peena hai. Dono surto mein aapko phir se pani peena hai, okay? Theek hai, theek hai. पानी आराम से पिए, अगर उकड़ू पोजीशन में बैठ के पी सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये भी हो सकता है पानी पीते ही तुरंत आपको लगे कि अभी वॉशरूम जाना है, प्लीज जाइए। सलीमा, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वॉशरूम अगेन आफ्टर ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर, यस एवरी टाइम आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वॉशरूम, एवरी टाइम, या देन आई हैव टू रिज्यूम द आसन वेयर आई हैड लेफ्ट, that's correct, okay, good रेणुका जी, अच्छे से twist करना, जितना अच्छे से twist करेंगे वो basically पानी को नीचे नीचे move करेगा तो आप लोगों को easy रहेगा।
जैसे आपका सेट खत्म होता है आपको दो ग्लास पानी पीना है। जो भी पोजीशन कंफर्टेबल है, पसीना आना स्वाभाविक है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है।